भारत में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। मान्यता के मुताबिक कहा जाता है, गंगा में स्नान करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है और गंगा सप्तमी के दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग माँ गंगा की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं। इसके अलावा इस दिन माँ गंगा की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की आरती कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है और गंगा सप्तमी कब है। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि इस वर्ष गंगा सप्तमी का पर्व 14 मई को है और गंगा सप्तमी के दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन माँ गंगा की पूजा आराधना करने से, उनकी आरती करने से जीवन में किए गए सभी पाप नाश होते हैं। गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद माँ गंगा को फूल माला अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। उसके बाद खड़े होकर हाथ जोड़कर माँ गंगा की चालीसा का पाठ करना चाहिए और आरती करनी चाहिए।